उत्तराखंड सरकार जनता को सरकारी योजनाओं की जानकारी देने और जनता को जागरूक करने के लिए प्रदेश भर में जागरूकता शिविर आयोजित कर रही है। इस कड़ी में उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से चंपावत जिले के लोहाघाट स्थित राजकीय इंटर कॉलेज में बहुद्देश्य जागरूकता शिविर आयोजन किया गया। ये जागरूकता शिविर नैनीताल हाईकोर्ट के जज और प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष मनोज तिवारी की अध्यक्षता में लगाया गया। शिविर में लोगों को विभिन्न प्रकार की कानूनी जानकारी दी गई, साथ ही समाज कल्याण विभाग, चिकित्सा विभाग, राजस्व विभाग, कृषि विभाग, वन विभाग, उद्यान विभाग, बाल विकास विभाग, एसएसबी, पुलिस सहित लगभग 40 से अधिक विभागों ने स्टॉल लगाकर केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। शिविर में आधार कार्ड, दिव्यांग कार्ड, किसान सम्मान निधि के प्रमाण पत्र भी बनाए गए। काफी बड़ी संख्या में आई है, आप देख सकते हैं, एक बार कैमरा घुमा देंगे तो आप और लोगों को भी दिखा पाएंगे। और लोगों ने, मैं देख रही थी अभी जैसे आयुष के उसमें देख रही थी, तो लोगों ने दिखाया भी, उनके पर्चे बने हैं, लोग चेकअप भी करा रहे हैं क्योंकि मेडिकल वाले जो लगे हैं होम्योपैथी वालों को दिखा रहे हैं, और जो बाकी सरकारी योजनाएं हैं उनकी जानकारी भी ले रहे हैं। जैसे एसएसबी वाले बता रहे थे कि यंग बच्चे जो हैं वो उसके भर्ती के बारे में जानकारी लेने आए हैं, और जो स्वयं सहायता ग्रुप हैं वो लगे हुए हैं, जो यहाँ की महिलाएँ काम कर रही हैं उनके प्रोडक्ट एग्जीबिशन में हैं, और जनता कार्यक्रम को भी मुझे लगता है एक मेले की तरह एंजॉय कर रही है। ऐसा नहीं है, वैसे हमारा उद्देश्य यह है कि लोगों को जागरूक किया जाए कि ज़िले में न्यायालय में एक कार्यालय उनके लिए हमेशा अवेलेबल है, जिसे हम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कहते हैं। फुल टाइम न्यायिक अधिकारी सारे वर्किंग डेज में वहाँ बैठते हैं, और जिसका कहीं काम नहीं होता वो वहाँ जा सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और अगर वो पात्रता में आते हैं तो उनको विधिक सहायता भी दी जाती है। और महिलाओं, बच्चों और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए तो कोई शर्त नहीं है, उनके लिए सब कुछ फ्री। शिविर में दिव्यांग लोगों को प्रमाण पत्र, वैसाखी, कान की मशीन, व्हील चेयर और अटल आवास के चेकों का वितरण भी किया गया। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंपावत से हरीश पांडे की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।